नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। बीती रात एक ऐसा मामला सामने आया जिसको सुनने के बाद में थोड़ा दुख भी होगा। कहीं ना कहीं बात सामने ये भी आती, क्या ऐसे लोग जो व्यापार करना चाहते हैं बाहर से आकर, जो रहना चाहते हैं, जो यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं, लगातार जिनकी पीढ़ियाँ बीत गई हैं और जो यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, क्या उनको व्यापार करना, क्या उनका यहाँ पर व्यापार करना गुनाह है? इसी तरह के मामले कल एक संज्ञान में आया। मामले में एक व्यक्ति को पीटा गया एक व्यक्ति के द्वारा, और जो सवाल किए गए पीटने के दौरान, उसमें कहा गया कि आप यहाँ के यहाँ कैसे व्यापार कर रहे हो, बाहर से आकर आपको व्यापार करने और बढ़ने आप कैसे बढ़ पा रहे हो, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया गया। मामला विरार पश्चिम का है। मंगेश भोईर नामक व्यक्ति पर आरोप लगा है कि धर्मपाल काशीराम निषाद पर हमला किया गया। बताया गया कि धर्मपाल काशीराम निषाद के बेटे पर भी को भी मारा गया और धर्मपाल को भी मारा गया। मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। अरनाला पुलिस स्टेशन ने तत्काल, वहां के PI महेश शेट्टी ने इस पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और आरोपियों को जेल भेज दिया। उन पर कई तरह के संगीन धाराएं भी लगाई। धाराओं में 384, 341, 452, 323, 504, 506, 143, 143 और 149 शामिल हैं। इसके अलावा जिस प्रकार पीड़ित अपनी बयान दे रहा है, जिस प्रकार पीड़ित ने बातें बताई, वो जरा सुनिए, आपको लगेगा कि आखिर क्या बाहर से आकर व्यापार करना गुनाह है। सर, क्या नाम है आपका? धर्मपाल काशीराम निषाद है। सर, क्या हुआ था, क्यों आपको मारा है, क्या हुआ? हमको साहब, आज जब से हमने ऑफिस डाला है, फिर बगल में ऑफिस वो लोगों ने डाला छल करके, फिर उसके बाद रोड टॉर्चर करते थे, और आज 6-7 बजे से ऑफिस में हमको 2-3 घंटे से बाप बेटे को बहुत मारे और बोलते कि सब तुम्हारी ज़मीन जायदाद लिख के हमको दो, तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी है। 2-3 घंटा मारे, वो तो साहब एहसान पुलिस वालों का सब पहुँच गए समय पर और लेके आए। जान मारने की धमकी भी पूरा उतारू है साहब सब लोग। सर, क्यों मारा पहले? बस बोलते कि तुम नहीं, रंजिश कुछ नहीं था पहले साहब, देखते ही कि तुम ऑफिस इतना बड़ा डाला है, UP से कमाने आया साले, तो बना लिया हम लोग को, तो इधर तेरा बाप का है क्या, सब हमारा है, तो तेरा बाप हूँ मैं मार डालूंगा साले तेरे को, अगर पैसा नहीं दिया, हमारा सब कुछ नहीं दिया तो लेके चल बंगले पे इसको, और रातों रात लिख के दे सब जमीन जायदाद। सर, क्या नाम है जिन्होंने आप लोगों को? मंगेश भोईर, आगरी सेना का ऑफिस डाला है कोसमोसिस्कर में। सर, क्या बोल रहे थे मारने के बाद? मारने के बाद यही कि जितना जो कुछ भी तुमने बनाया है, यहाँ से बनाया है, हमारे इधर से तुमने बनाया है, छल करके बनाया है, तो हमको सब दे, नहीं तो तेरे बाप बेटे सबको मार डालेंगे हम, लेके चल। 50 मर्डर किए हमने। सर, क्या बताएंगे, क्यों मारा मारी हुआ, क्या बताएंगे? सर, इनको हमारे प्रॉपर्टी चाहिए थी, हमको टॉर्चर कर रहे थे, हमको बोलते कि पैसा हम हफ्ता दो, हमें हमारे ऑफिस पे आके हाजिरी लगा के जाओ, तुम लोग बाहर से आके तो कैसे कमा रहे हो, इतना कैसे तुम लोग ने बना लिया है, तुम साले इधर के हो नहीं, बोलते तुम्हारे UP में हम थोड़ी आए धंधा करने, तुम यहाँ पे आए हो धंधा करने के लिए, तो तुमको इधर धंधा करने का है, तो मेरे पास रोज ऑफिस में आके हाजिरी लगा के जाने का, और ऐसा सब धमकी दिया, और आज मेरे ऑफिस में आके मुझे और मेरे पिताजी को बहुत मारा, और सब उनके 50-60 लड़के थे, और बोलते कि हम तुम्हारे बाप लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का मेरे पीछे हाथ है, हमको बंगले पे लेके जा रहे थे, बंदूक वगैरह आज नहीं लिख के दिया, आज रातों रात तुम लोग ने अगर तुम्हारी जितनी गाड़ी है प्रॉपर्टी है वो लिख के नहीं देंगे तब तक, नहीं तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको बंगले पे लेके चलेंगे। मेरे पापा को धमकी दे रहे थे कि अगर तुम लिख के नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे बेटे को उठा के लेके जा रहा हूँ। मुझे भी धमकी दे रहे थे कि अगर तू पुलिस वाले लोग को बोलेगा या किसको फ़ोन लगाया, मेरा फ़ोन ले लिया, मेरा फ़ोन वगैरह सब उनके लड़के लोग ने ले लिया। वो कैलाश पाटिल का बार बार धमकी दे रहे थे कि मैं कैलाश पाटिल का आदमी हूँ। कैलाश पाटिल का नाम ले रहे थे, आगरी सेना के अध्यक्ष हैं वो कैलाश पाटिल, उनके नाम से बार बार मुझे धमका दे रहे थे, मुझे बोलते कि मैं तुम्हारे बाप लोग हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ मंगेश भोईर, तुमको मालूम है मैं कौन हूँ, ऐसा सब करके मुझे बहुत धमकाया है, बहुत मारा हमसे, मार के बोलते कि बोलो ऐसा कि तुम तुम्हारे बाप हूँ, आज रातों रात तुम लोग अपना पेपर पे जो भी सब कुछ तुम्हारा प्रॉपर्टी है गाड़ी है मेरे नाम पे करो, नहीं तो आज के रातों रात तुमको मार डालेंगे, हमने 50 मर्डर किया हुआ है, अगर तुम तुम्हारे जैसे और 2 जन को मार देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग को। इस पूरे मामले को सुनने के बाद में एक बात तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, इसको तोड़ना चाहिए। समाज में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े, कोई भी व्यक्ति अपने स्तर से कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है, ये देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर क्या अराजकता फैलाना, मार पिटाई करना, किसी व्यक्ति को उसकी निजी जिंदगी को
को आधार बनाकर उस पर हाथक्षेप करना सही है, इसको रोकना होगा। समाज में जितने भी लोग इस तरह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए कि व्यापार कोई भी कर सकता है। कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। समाज में एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे की एकत्रता से, एकता से ही समाज आगे बढ़े। इस तरह के कृत्यों को रोकना हम सबका फर्ज है। आगे इस तरह के काम ना हो ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।